आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 14, सपोर्ट वेक्टर मशीन, दैट इज SVM एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम अब बहुत ही फेमस है मशीन लर्निंग में, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो हम इस पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। आपको सबसे पहले जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, तो ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा और फिर ब्राउजर में आपका जुपिटर का होम पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक न्यू नोटबुक ओपन करना है। तो मैं न्यू पाइथन नोट 3 नोटबुक ओपन करूंगी और फिर जो कोड लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पैंडास इंपोर्ट करना है, नमपाई, सीबोन एंड मैट प्लॉट लिब, ये 4 पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने हैं। और जो डेटा सेट है वो iris.csv। तो अब इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेटा सेट का लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से डाउनलोड करना है और फिर अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो फाइल आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा। फिर आपको ये जो होम स्क्रीन है यहाँ पे आना है और अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना है कि वो फाइल कहाँ पर है। ये देखिए मेरा ये डेटा सेट इधर है, तो मैं इसे क्लिक करके ओपन कर देती हूँ। तो ये मेरा डेटा सेट यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए डेटा सेट यहाँ पर अपलोड हो गया। अब जब मैं पाइथन नोटबुक ओपन करके ये जो कमांड लिखती हूँ रीड csv, देन ये मेरा फाइल अपलोड हो जाएगा और हेड मतलब जो फर्स्ट के जो फाइल रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ df टाइप्स। तो यहाँ पे ये जो डेटा सेट था सेपल लेंथ सेपल विड्थ सेपल पेटल लेंथ पेटल विड्थ और स्पीशीज, ये हमारा इसका टाइप डिस्प्ले हो रहा है। दैट ये जो 4 है वो फ्लोट 64 है और स्पीशीज हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें वैल्यू काउंट करना है, तो हम लिखेंगे df स्पीशीज डॉट वैल्यू काउंट। तो ये हमारा वैल्यू काउंट आ जाएगा 50 50 50। अब हम ये एक्स के लिए स्पीशीज को ड्रॉप करके ये कॉलम हम एक्स में असाइन करेंगे और वाई में हम स्पीशीज का कॉलम असाइन कर देंगे। अब हमें एक्स का शेप प्रिंट करना है और वाई का शेप। तो एक्स का शेप हो जाता है 150.4 एंड वाई का शेप हो जाता है 150, क्योंकि उसमें 150 रो है और सिंगल कॉलम है। अब हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, तो हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसको इंपोर्ट करना है एंड देन एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई। टेस्ट साइज हमारा हो जाएगा 0.3, दैट इज 30% डेटा इज यूज फॉर टेस्टिंग, रिमेनिंग 70 वी आर गोइंग टू ट्रेन द मॉडल, देन रैंडम स्टेट इज 0। अब हम लेते हैं ये जो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इसका हम शेप डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 105 रोज फॉर ट्रेनिंग एंड 45 रोज आर यूज फॉर टेस्टिंग। तो ये हमारा टेस्ट और ट्रेनिंग का शेप डिस्प्ले हो गया, रोज एंड कॉलम्स। अब हम लेंगे sklearn, इसको हमें से हमें svm इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn.svm इंपोर्ट svc। अब हमें कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है, तो हम कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे clf वेरिएबल इज इक्वल टू svc कर्लन इक्वल टू लीनियर डॉट फिट, मतलब हम मॉडल को फिट करेंगे यूजिंग एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब हमें प्रिडिक्ट करना है यूजिंग एक्स ट्रेन, हम clf डॉट प्रिडिक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा एरे है वो डिस्प्ले हो गया। अब हमें y प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट से हमें y को प्रिडिक्ट करना है और फिर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि एक्स टेस्ट वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट में क्या डिफरेंस है। तो हमें कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करना है। इसके बाद हम डेटा फ्रेम में ये जो डेटा है ये 3 कॉलम्स ले लेंगे। ये देखिए हमारा कॉलम्स लेके हो गया। अब यहाँ पर हम पैंडास इंपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्फ्यूजन मैट्रिक इंपोर्ट कर लिया, लोड इरीज डेटा इंपोर्ट किया है, देन ट्रेन टेस्ट प्लेट एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो
रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट करने के बाद आपको डेटा सेट लोड करना है। एक्स एंड वाई में डेटा एंड टारगेट हम यहाँ पे डाल देंगे और हम डेटा को स्प्लिट कर लेंगे। फिर हम ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज करेंगे विद रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। फिर हम मॉडल को यहाँ पे फिट करेंगे और फिर वाई की वैल्यूज को हमें प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन एक्स टेस्ट, और फिर कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करना है। ये देखिए हमारा डेटा फ्रेम में हमने डेटा डाला एंड देन वी हैव प्रिंटेड द कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है इस कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, तो हम फिगर साइज 5.4 लेंगे। हीट मैप हमें डिस्प्ले करना है, सो SNS.heatmap ये हम CM_data_frame ले लेंगे एंड टाइटल में हम लिखेंगे कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वाई लेवल में एक्चुअल वैल्यूज एंड एक्स लेवल में प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड देन वी आर गोइंग टू शो। सो दिस इज अवर कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 19 डेटा क्लासिफाइड करेक्टली फॉर क्लास वन, 13 डेटा क्लासिफाइड करेक्टली फॉर क्लास टू एंड 13 डेटा क्लासिफाइड करेक्टली फॉर क्लास थ्री। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।